हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अर्जेंट मैटर्स, यानी जो अभी अर्जेंट मैटर्स जो कोर्ट्स में लिस्ट हो रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या कौन से मैटर्स जो है अर्जेंट ट्रीट किए जा रहे हैं और कौन से मैटर्स जो है अर्जेंट नहीं ट्रीट किए जा रहे, आज इस पर मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या होता है, जब से कोविड शुरू हुआ है, पैंडेमिक जब से मार्च से शुरू हुआ है, तब से जो है कोर्ट्स तो बिल्कुल फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं और कई लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। अब महिलाओं को जैसे मेंटेनेंस केसेस के लिए दिक्कत आ रही है और जो हस्बैंड साइड है उसको विजिटेशन राइट्स के रिलेटेड दिक्कत आ रही है और उनके जो केसेस है वो चल ही नहीं रहे हैं। बेल और एंटिसिपेटरी बेल को लेके भी दिक्कत आ रही है, बहुत कंफ्यूजन है। आज ये वीडियो आप पूरी देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। देखिए क्या है कि जब से मार्च से पेंडेमिक शुरू हुआ है, तब से जो है जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं या अर्जेंट कैटेगरी के मैटर्स हैं वो ही लिस्ट हो रहे हैं, वो भी कुछ कोर्ट्स में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिस्ट हो रहे हैं और कुछ कोर्ट्स में फिजिकल हेयरिंग भी हो रही है इन मैटर्स को लेके। अब जैसे दिल्ली में तो सारा वर्चुअल हेयरिंग से ही जो है मैटर्स लिस्ट हो रहे हैं और लिए जा रहे हैं, तारीख दी जा रही है। और जो दिल्ली के बाहर है, जैसे हरियाणा में अगर गुड़गांव में देख लो या यूपी साइड देख लो, वहाँ पे जो है फिजिकल हेयरिंग का जो है बंदोबस्त किया गया है अर्जेंट मैटर्स को हेयर करने के लिए। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि आपका केस क्या अर्जेंट कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसको मैंने दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा मैटर कब लिस्ट होगा, हमारे में अगली तारीख क्या है, या फिर हमारा मैटर कब आएगा, या अर्जेंट है या नहीं है ये भी नहीं पता आप लोगों को। तो अब जो है अर्जेंट कैटेगरी, अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ 20% मैटर्स ही अर्जेंट कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्रिमिनल साइड में जैसे बेल हो गया, क्वाशिंग का हो गया, या फिर आपका जो है एंटिसिपेटरी बेल हो गया, या फिर आपका जिसमें स्टे ऑर्डर चाहिए, आपको किसी भी केस में अगर आपको स्टे ऑर्डर चाहिए, विजिटेशन राइट्स आपका अर्जेंट कैटेगरी में आ जाता है। फिर आपका जो बीच के जो ऑर्डर्स हैं, अगर आपको इंटरिम अर्जेंट रिलीफ चाहिए वो आ जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस के जैसे ऑर्डर हो गया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो आपका जो है अर्जेंट कैटेगरी में आ जाता है। अब सिविल साइड में जैसे स्टे चाहिए आपको, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के जो मैटर्स होते हैं जिसमें स्टे चाहिए, अर्जेंट स्टे चाहिए, प्रॉपर्टी को लेकर स्टे चाहिए, लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट में भी जो है स्टे ऑर्डर्स होते हैं वो स्टे चाहिए आपको, तो ये सब जो कैटेगरीज हैं ये अर्जेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। और बेल और एंटिसिपेटरी बेल तो खासकर जो है टॉप प्रायोरिटी में जल्दी से जल्दी जो है आजकल लिस्ट हो जाते हैं। तो आपको जो है अब वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब कोर्ट खुलेंगे। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट रिलीफ चाहिए, जिसमें जो है आपका जो है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल्स दिए उनमें अगर आपका केस के फॉल करता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि अब जो अपना केस है, हर एक कोर्ट का एक डेजिग्नेटेड मेल आईडी है, दिल्ली में तो ये है कि मेल आईडी है, हर एक कोर्ट का मेल आईडी है, उनको बस पूरी पिटीशन आपको मेल करनी है, साथ में एक अर्जेंट एप्लीकेशन आपको ड्राफ्ट करके जो है फाइल करनी है। अर्जेंट एप्लीकेशन में आपको ग्राउंड्स ऑफ अर्जेंसी बताना है कि आपको ये मैटर क्यों जल्दी लगवाना है। कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगा तो आपका जो मैटर है वो लिस्ट कर देगा जल्द से जल्द, नहीं तो फिर आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा, तो ये याद रखिए। और अगर जैसे आप, मैं दिल्ली के बाहर की बात करूं, यूपी साइड या गुड़गांव साइड, वहां पे जो है फिजिकल हेयरिंग है कुछ हद तक, तो वहां पे जो है आपको कोर्ट से पहले अलाउ करवाना पड़ेगा और फिर जो है उसे जो है फाइलिंग के लिए आपको फाइल कर देना है, वो अगले दिन टेकअप हो जाएगा और आपको जो है अर्जेंट रिलीफ जो है अगले दिन ही मिल सकता है अगर आपके केस के अंदर मेरिट है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक सिविल केस फाइल किया था जिसमें मैंने अर्जेंट स्टे ऑर्डर लिया था और वो पूरा केस ही इसी लॉकडाउन के अंदर खत्म हुआ है। अब देखिए ये सिचुएशन कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में भी मोर चले, बट अगर आपको अर्जेंट रिलीफ चाहिए जो मैंने कैटेगरीज मेंशन की हैं, तो आपको जो है ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है आई थिंक इस वीडियो से अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको ये नहीं पता अभी भी कि आपका जो मैटर है वो अर्जेंट कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है,
और उसमें अर्जेंट रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जो है जरूर करूंगा। और जो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और मेरी वेबसाइट का भी मैंने आईडी दे रखा है इस वीडियो के साथ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।